कांग्रेस में आपसी खींचतान को लेकर कुमारी शैलजा द्वारा कांग्रेस के चुनाव प्रचार से दूरी बनाने को लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि कुमारी शैलजा एक सीनियर नेता है और जिस तरह से कांग्रेस की रैली में उनके खिलाफ अपशब्द कहे गए वह बिल्कुल भी सही नहीं है। गोपाल कांडा ने कहा कि इससे साफ है कि ये लोग किसी का मान सम्मान करने वाले नहीं है। साथ ही गोपाल कांडा ने दावा किया कि सिरसा में उनका गठबंधन पांचों की पांचों सीट जीतने का काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने व समीकरण बदलने के सवाल पर गोपाल कांडा ने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोपाल कांडा ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने टिकटें बांटी हैं उससे उन्हें नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। कांडा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी बनेगी उसमें सिरसा की हिस्सेदारी जरूर होगी। आप आज सच्चाई देख रहे हो, ये शहर के लोग हैं, ये सिरसा का प्यार है, ये शहर के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हुए जो 100-200 लोग हैं। कल आपने देख ही लिया जो भगत सिंह चौक पे और एक इतने बड़े एक नेता की रैली है, वो भी भगत सिंह चौक में, और वो भी क्या था आपको पता ही चल गया कि क्या है। शहर एक तरफा पूरा अपना प्यार समर्थन और आशीर्वाद दे रहा है और बहुत बड़ी जीत होगी एक तरफा जीत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल आए थे और क्या कह थे कि बहुमत में सरकार बन रही है कांग्रेस भाई, सरकार बन रही है और 300 आदमी हो तो आप खुद सोच लो यार कहाँ बन रही है। हुड्डा साहब की शक्ल पे नहीं दिख रहा था आपको क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। सच्चाई है हुड्डा साहब की कोई सरकार सरपुर नहीं बन रही और ना ही जिस तरह की टिकटें बांटी है ये लोग जीत रहे हैं और सिरसा की तो पांचों की पांचों सीटें जीत रहे हैं हम। हमारा गठबंधन और सरकार बनेगी सिरसा की, इस बात में कोई दोराय नहीं। देखते हैं वैसा आपसी कलह के कारण आपको देख ही रहे हो। शैलजा जी अभी इस इलेक्शन में अभी तक नहीं लगी, अब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या है कि एक दलित महिला को एक इतनी बड़ी मतलब उनकी नेत्री हैं कांग्रेस की और उसके साथ ही इस तरह का दुर्व्यवहार और हुड्डा जी की रैली में उसको सरेआम क्या आप शब्द कहें, तो सबको पता चल गया कि ये मान सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं और सनातन धर्म की जीत होगी इसमें कोई दोराय नहीं है। और सिरसा में तो वैसे ही धर्म नगरी है तो उनका मन एक तरफ बना हुआ है। सिरसा की पांचों सीटें हम जीतेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी अलोपा गठबंधन पांचों सीटें जीतेंगे। हमारी तीनों की एक ही सोच है कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा, कोई भी आके इसमें हमारे साथ जुड़ जाए आशीर्वाद दे और कांग्रेस मुक्त हरियाणा हम कर देंगे। आम आदमी पार्टी भी लगातार हरियाणा में दौरा कर रही है, सिरसा में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं दिल्ली में। भाई साहब इनका कुछ नहीं है हरियाणा में, मैं तो पहले ही बोल चुका अभी बोल रहा हूँ। गांव में लोग बात करते थे, कई बोले भी जब शुरू में आप पार्टी आई बोले बड़े ईमानदार है, बड़े ईमानदार है, तो गांव के लोग कहते थे भाई मैं कौन से बेईमान है, खेत में काम करते हैं सारा दिन, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ चलने वाली नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में इन्होंने लोगों को बरगला दिया होगा, यहाँ इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं। राजनीति का लंबा एक्सपीरियंस है आपको, कांग्रेस और बीजेपी की हरियाणा में कितनी सीटें मानते हैं? कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा की कितनी सीटें मानते हैं? उतनी आएगी जितनी हमारी जरूरत है।